मीट भी हमको नहीं खाना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट, वी शुड नॉट ईट मीट, एंड देयर इज कर्मा आल्सो. मीट का मतलब मी ईट, यानी तो मी एक दिन तो मुझको भी खाइयो, मी ईट. हरे कृष्ण, सब्सक्राइब करो मायना से वाले चैनल के एवं बेल आइकन प्रेस करो लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाओ जानो. हरे कृष्ण. नेक्स्ट वन इज मर्सी, दया. दया कम होती है बाय मीट ईटिंग, मांस खाने से. मोर वी ईट मीट मोर वी फील एजिटेटेड मीट खाने से. और साथ ही मीट खाने से क्या होता है, मीट खाने से ओवरऑल हमारी हेल्थ कमजोर होती है. हालांकि ऐसा माना जाता है कि ना जो मीट खाने वाले लोग हैं दे आर वेरी पावरफुल, में शक्ति होती है, बिकॉज दे आर टेकिंग प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट. अच्छा, मतलब मांस खाने से ताकत आती है. यस यस. अच्छा, सांड क्या खाता है, घास फूस. हाथिया खाता है घास फूस. तो ताकत कहां पर है, घास फूस में. जो लोग मांस खा रहे हैं ना, वो मांस किसका खाते हैं, जो इसने वेजिटेरियन फूड खाया है ना, उस वेजिटेरियन फूड से बना हुआ उसका जो मांस है वो खाया उसने. ये मीट बनता भी किससे है, उस वेजिटेरियन फूड से. तो ताकत कहां पर है, घास फूस में. मेरे कॉलेज के दिनों में एक बंदा था, वॉज लाइक बॉडी बिल्डर था बंदा, कट शर्ट्स थे उसके. और अभी तो आई एम स्टिल 65, नहीं नॉट 65, आई एम करंटली 75 केजीज. उस वक्त था आई वॉज 55, मतलब इससे 20 किलो कम. एकदम स्किनी था इन माई कॉलेज डेज. तो मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, आप लोग जैसे मैं इस्कॉन यूथ हॉल में आया करता था ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज. तो अब ये व्यक्ति जो था मेरे को देखता था, कहते हल्कट, रोज मीट खाता था, कॉलेज के बाहर मिलता था रेडी पे, रोज मीट खाता था ये. तो ये मेरे से पंगे भी लेता था, कहते हैं कमज़ोर. जैसे होते हैं जो पालतू कुत्ते होते हैं वो गली कुत्तों को छेड़ते हैं, कहते हैं डोबरमैन भाई, गली का कुत्ता. वो मुझे वैसे ही देखता था वो. तो मैं बैठे लोगों के पीछे कंपस रख देगा तो मुझे चुभ जाएगा. मैं सहन करता था क्योंकि हमने सुना हुआ था तत्ना तपी सुनी छेना तरो रपी सहना. अभी लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, 6-8 महीने हो गए थे, तो अपने में सहनशीलता इतनी थी नहीं. मैं कोई बहुत बड़ा संत तो था नहीं 22 साल पहले. तो एक बस बहुत हो गया यार, लेकिन क्या करूँ मैंने बटूडू. तो हमारा लगा पंजा कॉम्पिटिशन था, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है. तो मुझको पता लग गया कि ना उसने अपना ना उसने अपना बीटा रखा है, बीटा. मैंने कहा मेरा नाम मेरा बीटा रखो, आई वॉन्ट टू बी बीटा. तो क्यों, पता है उसका बीटा है इसलिए. ओके अल्फा, तो अल्फा वाले दोनों आए पंजे लड़े, ठीक है. ओके बीटा, तो वो तो मेरे को देख करके गया है. बहुत खुश था वो, कह रहे तो सिकड़ा आदमी. तो उसका मेरा हुआ पंजा हुआ. तुम्हारा पंजा एक मिनट तक तो बीच में ही रहा. उसने कहा एक मिनट हो गया बीच में ही है. उसके बाद ना मैंने उसको नीचे करना शुरू कर दिया, एंड देन ही लॉस्ट. अरे चीटिंग हुई है, ये कंगड़ी कहाँ से मेरे को हरा देगा, मैं जिम जाता हूँ, प्रोटीन शेक पीता हूँ, टंगड़ी तोड़ता हूँ. दोबारा हुआ, दोबारा हरा हो. उसके बाद उसने मुझसे पंगा नहीं लिया. पर हमारा जब डिस्कशन कभी हुआ था अबाउट मीट, मैंने कहा देख तू बोलता है मीट खा के ताकत आती है, मैं मीट नहीं खाता, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता. मैं किस में ज़्यादा ताकत, घास फूस वाले में या मीट खाने वाले में, घास फूस खाने में. देर इज मोर स्ट्रेंथ इन घास फूस. एक तो ये कारण है. दूसरा कारण क्या है, हमारी बॉडी मीट खाने के लिए बनी नहीं है. हमारी पेट में जो एसिड होता है ना इज 20 टाइम्स लेस एसिडिक देन द कार्निवोरस एनिमल्स. दे कैन डाइजेस्ट मीट, वी कैन नॉट. इसलिए कई बार लोग शादी पार्टी में जाते हैं ना, मीट भी टंगड़ी वंगड़ी थोड़ी, उसके बाद फिर उल्टी कर दे, ये क्या हुआ, पचा नहीं, क्यों तो खाने के लिए बना ही नहीं वो. आवर बॉडी इज नॉट मेंट फॉर दैट. जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं ना उनकी पेट की चर्बी है इट्स लॉन्ग, क्योंकि हम फूड को धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करते हैं, पूरा नूडल्स हैं. लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं दे ईट दे डाइजेस्ट एग्जिट एज अ स्टूल. उनका नहीं है जलेबी की तरह घूमे, क्योंकि मीट जल्दी सड़ता है. अगर आंतों में घूम गया ना मीट सड़ जाएगा वो. इसलिए कार्निवोरस एनिमल्स को पाइल्स की बीमारी नहीं होती, ह्यूमंस में होती है. एंड एज पर रीडर्स डाइजेस्ट पाइल्स की बीमारी 90% जो मीट ईटर्स हैं उनको होती है, बिकॉज आर बॉडी इज नॉट मेंट फॉर मीट ईटिंग. किस किसने नाम सुना है फिस्टूला
Have you heard the disease known as fistula? You know what is fistula? ये piles का बाप है. अच्छा इसमें क्या होता है, आपका जो जो ट्रैक है जहाँ से यहाँ से स्टूल निकलना है उसके बगल में ना एक और रास्ता बन जाता है. तो सोचो आपका स्टूल कहीं और से निकल रहा है, यहाँ से भी थोड़ा निकलता है बाकी यहाँ से निकल रहा है. ओ गॉड, एंड इट्स वेरी पेनफुल, वेरी फिशर्स पेनफुल. उसको लेजर से ये वाला रास्ता बंद किया जाता है, भैया यहीं से निकलना है, यहाँ से नहीं निकलना. दैट्स फिस्टूला. पर किसको होता है पता है? मीट ईटर्स. क्योंकि जब तक आंतों से बाहर निकलेगा मीट सड़ जाएगा, फिर जहाँ रहेगा वहाँ से क्या करा फिशर्स या दाने निकल जाते हैं, जो उस दाने से ऊपर से जब स्टूल निकलता है ना रगड़ करके, ओ अरे पेनफुल, वहाँ से खून निकलता है. ओ गॉड, जिनको पैसी मारी है ना वो जानते हैं, प्रभु जी मत याद दिलाओ, मत याद दिलाओ. पर किन को होता है ये सुखदारी सुखदाई बीमारी? मीट खाने वालों को. और जिनका पायल फिस्टूला बड़ा हुआ है, बैठ ही नहीं पाते ठीक से, उनको बोला बैठ जाए, नहीं आई एम ओके, बैठ ही ना, क्या हुआ, आई एम ओके, लिटिल टायर्ड. ये हाल होता है बेचारों का. और खाओ बेटे मीट. तो इसीलिए दैट वेज व्हेन वी ईट मीट, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक इसके लिए बना ही नहीं है, ना इंटेस्टाइंस ना हमारा स्टमक, दोनों इसके लिए नहीं बने हुए. तो दैट्स व्हाई आल्सो वी शुड नॉट ईट मीट. हमारा इवन जॉ स्ट्रक्चर इज नॉट दैट ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स. कार्निवोरस जितने एनिमल्स हैं, चाहे वो वुल्फ हो, जैकल्स हो, लायन, टाइगर, कैनाइन टीथ आर लॉन्गर एंड शार्प सो दैट दे कैन टीयर इन टू द फ्लैश. हमारे कैनाइन टीथ हैं शार्प है बट छोटे हैं, सो दैट इन इमरजेंसी वी कैन टेक मीट. इमरजेंसी बट खाने को है ही नहीं, देन यू कैन टेक समथिंग लाइक, जैसे कभी कभी आर्मी पर्सनल्स को खाना पड़ता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, राशन नहीं है तो ये कॉकरोच सांप वगैरह खाते हैं इमरजेंसी. अदरवाइज कैनाइन टीथ हमारे छोटे क्यों हैं? बिकॉज वी आर नॉट मेंट टू ईट मीट. हमारे दांतों का स्ट्रक्चर इट रिसेंबल्स दैट ऑफ हिरन, हर्बीवोरस एनिमल्स. दांतों का स्ट्रक्चर भी यही बताता है हमको. सो वी आर नॉट सपोज टू टेक मीट. साथ ही दुनिया के अंदर भुखमरी का बहुत बड़ा कारण है मीट ईटिंग, बिकॉज 10 किलो वेजिटेरियन फूड से बनता है 1 किलो मीट. तो अगर किसी को मैंने 1 किलो मीट खिलाया उसके बदले मैं 10 लोगों को 1 किलो वेजिटेरियन खाना खिला सकता था. पर मैंने क्या किया, इनका 10 लोगों का खाना लिया, मैंने एक जानवर को खिलाया उससे उसका 1 किलो मीट बना और मैंने एक व्यक्ति को खिलाया, 9 लोग भूखे रह गए. दुनिया में भुखमरी का बहुत बड़ा कारण क्या है? मीट ईटिंग. दैट्स ऑल्सो वन मोर रीजन मीट के लिए. अब कुछ लोग अंडे भी खाते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और बांधने पड़ेंगे तुमको यमराज के डंडे ही डंडे. ये अंडा, और कुछ लोग बोलते हैं ये वेजिटेरियन होते हैं यार, अंडा क्या वेजिटेरियन. अच्छा इसे अंडे क्या खेतों से निकाले तुमने? ये गेहूं के खेत है और ये अंडों के खेत है. अंडे खेतों से आते हैं, वेजिटेरियन कहाँ से हो गए वेजिटेरियन? दे आर नॉट एट ऑल वेजिटेरियन. देखिए अंडे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है देसी अंडा, ठीक है, जो होता है थोड़ा ब्राउन होता है, और कभी कभी उस अंडे के अंदर रेड कलर के मार्क्स भी होते हैं बिकॉज बच्चा वाज अबाउट टू टेक फॉर्म, पर हमने क्या किया उसकी भुर्जी बना करके बॉयल करके उसको खा गया, यानी वो बच्चा अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देख पाया, खा गए उसको. दूसरा अंडा आता है सफ़ेद अंडा, जो मार्केट में खूब मिलता है. ये वो अंडा है जो पोल्ट्री फार्म्स में इंजेक्शन दे करके और मुर्गियों का वो गंदा हाल करके निकाला जाता है. ओ माय गॉड, पोल्ट्री फार्म्स में ये अंडा बेसिकली क्या होता है, इस अंडे के अंदर बच्चा नहीं होता. ये अंडा बेसिकली क्या है, उसका मेंस्ट्रुअल वेस्ट का कोआगुलेटेड फॉर्म है. ये मेंस्ट्रुअल वेस्ट, आप किसी औरत का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा लोगे? मान लो आपका घर का कोई सदस्य है और वो पॉलिथिन लेके आया, कहते हैं मेरा मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, इसको तवे पे इसकी भुर्जी बना के खा लो. छी, मेंस्ट्रुअल वेस्ट, हम सिर्फ मुर्गियां खाते हैं, हम सिर्फ मुर्गी का खाते हैं, मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट लोग खा लेते हैं, इंसान का नहीं खा पाएंगे. किसी औरत से बोल तू अपना खुद का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा ले, ये चीप चीप गंदी बातें. अच्छा मैडम मुर्गी का, उनका खा लेते हैं, उनका खा लेते हैं हम. सियापा. सो इवन अगर उसके अंदर बच्चा नहीं है, इट्स सच एन ऑब्नॉक्शियस थिंग टू ईट अंडा. हाउ कैन यू थिंक ऑफ ईटिंग एग?
एक में जान है, एक में वेस्ट है, मुर्गी के गर्भ का वेस्ट है. हाउ कैन वी ईट गर्भ का वेस्ट ऑफ मुर्गी? और 80-90% जो अंडे बिक रहे होते हैं दे ऑल आर पोल्ट्री फार्म्स में हेंस के प्रति वॉयलेंस किए हुए अंडे, वो अंडे होते हैं. तो अंडा दो वूफ, दे शुड नॉट इवन टेम्पटेशन टू ईट एग, नॉट एट ऑल. हालांकि देर आर अदर वर्जन ऑल्सो. अगर आपको अंडे से कुछ अगर टेस्ट अगर करना है विच इज लाइक ऑमलेट, तो बेसन, दूध और ब्रेड से एक बहुत बढ़िया चीज़ बन जाती है. लेट्स लाइक ऑमलेट, वेरी टेस्टी, उससे ज़्यादा टेस्टी, बल्कि उससे ज़्यादा टेस्टी होता है और उसमें कोई पाप नहीं होता. ऑफ़ ऑफर टू कृष्णा, दैट इज बेस्ट. सो इसीलिए दैट्स वाई संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे, ठीक है जी. और मीट भी हमको नहीं खाना चाहिए, ऑफकोर्स नॉट, वी शुड नॉट ईट मीट. एंड देयर इज कर्मा ऑल्सो. मीट का मतलब मी ईट, अरे तो मी एक दिन तो मुझको भी खाइयो. मी ईट मीट. अच्छा, कोई अगर आपको काटे तो आप क्या बोलोगे? बद्दू आए तो कहना मेरे को काट रहे हो, कीड़े पड़े तुमको, राइट? ऐसे बोलेंगे ना हम लोग भी. जानवर ही बद्दुआ देता है. सो मीट इज फुल ऑफ बद्दुआ, इज फुल ऑफ कर्सेस. वो भी दुआएं बद्दुआएं देते हैं. जस्ट लाइक वी गिव कर्सेस, दे ऑल्सो गिव कर्सेस. तो इसलिए भी हमको मीट नहीं खाना चाहिए, ठीक है जी. और साथ ही ऑफकोर्स मीट इज बैड फॉर हेल्थ, इट्स बैड फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. मीट चाहिए जी. तो सब्जियां खूब अच्छा रहेगा, एक जन एक लोग खूब जानी जोगिदर का घोषणा.